गाइज, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हम लोग देखने वाले हैं एक स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर की ऐसी स्टोरी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो आप लोगों की मोस्ट डिमांडिंग वीडियोस में से एक है, क्योंकि इसके अंदर हम देखने वाले हैं एक लड़का अपनी स्टेप सिस्टर के साथ ही इंटीमेट होता है, जो कि आप लोगों की डिमांड में थी। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप लोग नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम लोग देखते हैं एक ट्रेन आ रही होती है, जिसमें से एक लड़के को देखते हैं जो कि ट्रेन में टीटी से डर के भाग रहा होता है। उस लड़के का नाम टेडेक होता है, जो कि इस मूवी का लीड एक्टर है। हम देखते हैं टेडेक यहाँ से ट्रेन से चलते हुए ट्रेन से कूद जाता है, जिसे ऐसा करते हुए एक लड़की देख लेती है जो कि इस टाउन में पहली बार आई होती है। उसे टेडेक एक इंटरेस्टिंग पर्सन लगता है, तो वो उसे देखती रहती है, टेडेक भी उसे देख लेता है। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं टेडेक आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम खरीदता है और अपनी स्टेप सिस्टर के घर पर जाता है। क्योंकि उसकी सिस्टर को पता नहीं था कि वो वहाँ पर आ रहा है, तो वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। हमें पता पड़ता है कि उसकी जो सिस्टर है, यानी कि स्टेप सिस्टर, वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए पार्टी में जा रहे होते हैं। टेडेक से कहते हैं कि तुम घर पे रुको। अब हम लोग टेडेक को देखते हैं जो कि विंडो से नीचे देख रहा था अपनी स्टेप सिस्टर को उसके बॉयफ्रेंड के साथ, और वो उसे किस कर रही थी, उसके साथ चली जाती है। टेडेक ये देखकर नाराज़ हो जाता है। अब वो अपने कमरे में झांक के देखता है एक होल के थ्रू, और वो देखता है कि उसके कमरे में बहुत सारा सामान रखा और उसे पता नहीं होता है किसका है। अब उसी रात हम लोग देखते हैं कि जो स्टेप सिस्टर होते हैं टेडेक की, जिसका नाम एनका होता है, वो अपने रूम में सो रही होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिसके कारण टेडेक को बालकनी में सोना होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एनका होती है उसे पसंद नहीं था कि टेडेक उसके घर पे आए, पर वो फिर भी किसी तरह से अपनी लाइफ को मैनेज कर रही थी। गाइस, जब हम लोग देखते हैं कि जो टेडेक की सिस्टर एनका होती है, वो टेडेक को उसका लंच पैक करके दे देती है और उसको कॉलेज में भेज देती है, जहाँ पर टेडेक की मुलाकात इरमिना से ही होती है, जो कि उसे ट्रेन वाले दिन दिखी थी। अब यहाँ पर टेडेक उसे देखता है, पर वो उसे कुछ खासा भाव नहीं देती, तो टेडेक वहाँ से चला जाता है। तब इरमिना अपनी फ्रेंड से कहती है, मैं इसी से ही शादी करूँगी। अब इसके बाद हम लोग इरमिना को देखते हैं जो कि अपने घर पे आती है, जहाँ पर उसके डैड की कुछ लोगों के साथ पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि इरमिना के डैड एक गैंगस्टर हैं, और कुछ लोग यहाँ पर इरमिना के डैड की जो प्रॉपर्टी थी उसे तोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। अब एक दिन हम लोग देखते हैं कि जो एनका होती है, वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आती है, उसे पहन के टेडेक को दिखाती है और कहती है कि आज मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक पार्टी में जा रही हूँ। पार्टी में जाने से पहले एनका का बॉयफ्रेंड अपने कपड़ों को टेडेक के रूम में से निकाल देता है और उसे वापस उसका रूम दे देता है। इसके बाद हम लोग टेडेक को देखते हैं जो कि फुटबॉल खेलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एनका के बॉयफ्रेंड के एक खास मित्र से होती है, जो कि उसे बताता है कि जो एनका का बॉयफ्रेंड है उसकी शादी हो चुकी है और वो एनका को धोखा दे रहा है। ये बात सुनकर जैसे ही जो टेडेक होता है ये बात एनका को बताता है, एनका को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो टेडेक को भी कह देती है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरे लिए लॉयल है, मेरे लिए यही बहुत है। अब हम लोग एनका को देखते हैं जो कि एक बात से नाराज़ हो जाती है, और वो बात ये थी कि उसने टेडेक को देख लिया था जो कि उसके कपड़ों से गलत काम कर रहा था, जो कि उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। अब हम लोग देखते हैं एक एजेंट आता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी एजेंट था, वो यहाँ पर एनका को एक वार्निंग देकर जाता है कि तुमने अपना जो किराया है बिजली का, वो तुमने 3 महीने से नहीं भराया, और अगर तुम इसे आगे भी नहीं भरोगी तो हम तुम्हारे घर की बिजली को काट देंगे। ये बात सुनकर एनका बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और टेडेक भी कुछ नाराज़ होता है। अब एनका यहाँ पर उससे कहते हैं कि तुम अपने घर चले जाओ, पर यहाँ पर टेडेक होता है, वो भी घर जा ही रहा होता है, पर एनका उसे रोक लेती है और कुछ उसे पुरानी बातें याद दिला देती है कि तुम मत जाओ, तुम मेरे भाई हो। ये बात सुनकर दोनों इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि एनका को पता था कि टेडेक ने कितने ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल किया होता है अपनी लाइफ में, और उसे वापस नहीं जाना चाहती थी। अब अगले सीन में हम लोग इरमिना और टेडेक को देखते हैं जो कि एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, और ये लोग एक बिल्डिंग की छत पर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। ये लोग, इन लोगों का गोल्डन टाइम था। अब हम लोग देखते हैं कि जो टेडेक आता है वो अपने रूम पे आ रहा होता है, पर तभी वो यहाँ पर एनका के बॉयफ्रेंड को देखता है जो कि किसी और लड़की के साथ अपने रूम में मज़े कर रहा था। जैसे ऐसा करते हुए टेडेक देख लेता है और वो रूम को लॉक कर देता है। वो रूम को तब तक लॉक करता है तब तक एनका नहीं आती, और जैसे एनका देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ इंटीमेट हो रहा है, तो वो भी उसे नाराज़ हो जाती है और उसे ब्रेकअप कर लेती है। अब हम लोग देखते हैं कि जो इनका ब्रेकअप तो हो जाता है और ये लोग चले भी जाते हैं, पर हम देखते हैं उसी रात इन लोगों के घर की जो बिजली है वो कट जाती है, जिसके कारण इनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल झेलना पड़ रहा था 2-3 दिनों से, क्योंकि अब इनके घर की बिजली नहीं थी। यहाँ पर टेडेक इनका को कुछ काम करने में हेल्प करता है, जिससे कि ये लोग कैंडल जला के अपने अपने कामों को कर रहे थे। अब अगले दिन हम लोग टेडेक को देखते हैं जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है और एक कंपनी में जॉब के लिए चला जाता है। उसे ऐसा करते हुए इरमिना देख लेती है और उसे पता पड़ जाता है कि उसे पैसों की दिक्कत है, तो वो उसे हेल्प करने की कोशिश करती है। वो उसे एक आइडिया बताती है कि तुम आज रात को मुझे मिलना और हम लोग कुछ पैसे कमाने वाले हैं। टेडेक उससे पूछता है कैसे, तो इरमिना कहती है कि बस रात को मिलना। अब ये लोग रात को मिलते हैं और एक कंपनी से एक कारपेट चुरा के ले आते हैं, जिससे कि ये लोग एक मार्केट में बहुत अच्छे दामों में बेच देते हैं, पर अभी भी पैसे कम पड़ रहे थे।
तो इरमिना कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। इसके बदले में टेडक भी इरमिना से कहता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत तब पड़ेगी, मैं तब तुम्हारे पास आ जाऊँगा। हम लोग देखते हैं इरमिना अपने घर पर जाती है और वो अपने डैड के दोस्तों से बात कर रही होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसे याद आ जाता है कि उसे टेडक के लिए पैसे निकाल लें। इरमिना अपने घर में से अपनी मॉम के पर्स में से बहुत सारे पैसे निकाल लेती है। अब वो इन पैसों को जाकर अगले दिन टेडक को दे देती है, जिन्हें देख कर टेडक भी खुश हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें मेरी जब भी ज़रूरत पड़ेगी तुम मुझे जब याद कर सकती हो। अब हम लोग देखते हैं गाइस ये लोग यहाँ पर एक किस करते हैं। इसके बाद ये लोग अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अब हम लोग गाइस उसी रात का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं टेडक ने अब इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया था और फाइनली इनके घर में अब बिजली आ चुकी थी। इस खबर को सुन के टेडक खुश हो जाता है और एनका को बताने के लिए जाता है। वो देखते हैं कि एनका तो नहा रही है, तो वो उसके पास आइसक्रीम लेकर आता है और टूथब्रश से दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं। पर तभी इनके घर की बेल बजती है और टेडक नीचे देखने के लिए जाता है कि कौन है। वो यहाँ पर देखता है कि इरमिना नीचे खड़ी थी और टेडक को कुछ अपने डैड के बारे में बताना चाहती थी, पर टेडक जो था वो इस बात को सुनने के लिए बिल्कुल राजी नहीं था और उसे अपने घर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि टेडक चाहता था कि वो अपनी स्टेप सिस्टर के साथ इंटीमेट हो, क्योंकि उसके मन में अपनी स्टेप सिस्टर के लिए सॉफ्ट फीलिंग्स थी। वो उसके बाथटब में घुस जाता है उसके साथ इंटीमेट होने के लिए, उसे अप्रोच करने लगता है, पर जो एनका होती है वो उसे धमका के बाहर निकाल देती है और कहती है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम मेरे भाई हो। हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर एनका को उस रात कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो वो टेडक के पास चली जाती है। टेडक उससे कहता है कि तुमने जो किया मेरे साथ ठीक नहीं किया, तुम मेरी बहन नहीं हो, क्योंकि तुम्हें भी ये बात पता है हम दोनों की भले ही मॉम सेम थी पर डैड अलग थे। अब यहाँ पर एनका को ये बात सही लगने लगती है और उस रात ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जो टेडक था वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो एक सुपरमार्केट में जाता है जहाँ पर कि वो एनका के बॉयफ्रेंड को देखता है उसके लिए ड्रेस खरीदते हुए। अब यहाँ पर उसे पता था कि उसका बॉयफ्रेंड एनका के पास जाने वाला था, तो यहाँ पर उससे पहले टेडक घर पहुँच जाता है और उनकी डोरबेल को ख़राब कर देता है, जिससे कि वो घर के अंदर ना घुस पाए और एनका को पता नहीं पड़ सके कि घर के बाहर कोई खड़ा है। और फाइनली जैसा कि टेडक चाहता था वैसा ही होता है, क्योंकि वो बेल तो उसने ख़राब कर दी थी। अब यहाँ पर एनका का बॉयफ्रेंड जैसे ही बेल्स को बजा रहा था वो बेल का जवाब अंदर तक नहीं जा पा रहा था, तो वो वापस अपने घर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जो टेडक था वो कहीं बाहर जाता है, तो जैसे ही वापस अपने घर आता है वो देखता है कि एनका अपने बॉयफ्रेंड के साथ किचन में थी और ये लोग कॉफ़ी पी रहे थे। अब एनका और टेडक से कहती है कि हम दोनों के बीच में फिर से पैचअप हो गया है। इस बात को सुनकर जो टेडक था वो बहुत ही नाराज़ हो जाता है और एनका को गालियाँ सुनाने लगता है और बाहर निकल जाता है। हम लोग देखते हैं एनका को जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी एक पार्टी में थी जो कि उसके बॉस ने ऑर्गेनाइज़ करी थी। यहाँ पर एनका के बॉयफ्रेंड का जो बॉस था वो चाहता था कि एनका उसके साथ इंटीमेट हो, पर वो इनडायरेक्टली ऐसा ही बोल रहा था। वो डायरेक्टली तो ऐसा नहीं बोल सकता था कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है, तो इनडायरेक्टली ऐसे ही कुछ बोल रहा था। अब हम लोग देखते हैं कि एनका को जो कि बाथरूम में आती है अपना मुंह धोने के लिए, तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसे बताता है कि जो मेरे बॉस हैं वो मुझे प्रमोशन देने वाले हैं, पर उसके बदले वो चाहते हैं कि तुम उनके साथ इंटीमेट हो। अब एनका उनके साथ बैठती है, पर जैसे उसका बॉस उसे अप्रोच करता है तो वो उन्हें और अपने बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मार के घर पे आ जाती है। टेडक अपनी सिस्टर को यानी कि स्टेप सिस्टर को रोता हुआ देखता है, पर वो गेट नहीं खोलते तो वो वापस चला जाता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इरमिना की शादी हो रही थी और वो यही बात बताने के लिए टेडक के पास आती है, पर टेडक उसकी बातों को नहीं सुनता और उसे भगा देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर अब पार्टी तो चल रही थी बहुत ही भयंकर, तभी यहाँ पर कुछ गैंगस्टर्स आ जाते हैं जो कि इस पार्टी को तहस नहस कर देते हैं। अब सारी पार्टी तो ख़राब हो जाती है, पर इरमिना क्या करती है वो टेडक के पास आती है जो कि बाहर ही बैठा था, और वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे घर किसी और काम से नहीं आई थी, बस यही बताने के लिए आई थी कि मेरी शादी होने वाली है। और वो यहाँ पर टेडक को गुड बाय किस देके अपने होने वाले पति के साथ चली जाती है। अब टेडक भी घर आता है और एनका ने उसका सामान पैक कर दिया था और कहती है कि तुम जा सकते हो। अब इसी के साथ दोस्तों ये मूवी है यहीं पर ख़त्म होती है और टेडक भी अपने घर चला जाता है। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना एंड वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता पड़े कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं। फिर मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।